हेलो, कैसा टेस्ट है? बहुत स्पाइसी है और बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे हरी मिर्च वाली चीजें खाने में बहुत मजा आता है। आप तो दूध रोटी खाने वाले थे ना? मुझे पता है कि नहीं मिलेगा। गाइस, हमने फिर से एक और रोटी ऑर्डर की है। इन्होंने कहा था मैं नहीं खाऊंगा, पर इनको इतना अच्छा लगा कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से आप सब ठीक होंगे, मजे से होंगे, और आयुष्मान और मॉम की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं बाहर, तो कहाँ चल रहे हैं मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, रास्ते में बताऊंगी, ठीक है? तो चलें। कलकत्ता में पूजा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। डेकोरेशन आने वाला है, श्रीभूमि का डेकोरेशन। बैरिकेड लगा दिया गया है, कुछ पूरा नहीं होती। जहाँ बोल रही थी वहाँ हम पहुँच चुके हैं। एक्चुअली हम आज गौतम्स में खाने आए हैं। ये एक रोड साइड रेस्टोरेंट है, यहाँ का खाना बहुत ही यम्मी और टेस्टी होता है। वहाँ पे मेन्यू का ऑर्डर लेने पे देखो कितनी अच्छी बड़ी बड़ी वाली, देख रहे हो बाहर, देख रहे हो, देखो देख रहे हो, सारा फ्रूट्स है, तंदूरी चिकन। एक्चुअली यहाँ पर गाड़ी पे ही बैठकर खाना पड़ता है, तो हम लोग गाड़ी में ही बैठे हुए हैं और अपने ऑर्डर आने का वेट कर रहे हैं। रोड साइड पे रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाने आए हैं, अपनी गाड़ी में वेट कर रहे हैं खाने का। और ये अद्वै आगे आला है, पीछे और ये जो महाराज है, इन्हें कहीं का खाना पसंद ही नहीं आता, घर पे जाकर रोटी दूध खाएंगे। जरा इधर देखना, दूध रोटी दूध वाला मुंह कभी नहीं किया ठीक से। ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, चिली चिकन, और अभी तंदूरी रोटी आ चुका है। चिली चिकन 160 रुपीस का है और तंदूरी रोटी तो शायद 15 रुपए की एक है, और ये 8 पीस चिली चिकन 160 रुपीस का। वो निकाल भी नहीं पा रहा। बाकी का खाना आ रहा है। अरे गिर गया, अच्छा हुआ। तो टेस्ट करती हूँ कैसा है खाना। लो आयुष्मान, तुम टेस्ट करके बताओ कैसा है। स्पाइसी है, स्पाइसी है, थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ही है। हाँ। मैं खाकर बताती हूँ कि खाना कैसा है। तो ये लिया मैंने थोड़ा सा चिली चिकन, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा स्पाइसी टेस्ट, एकदम बहुत अच्छा। मैं इसे एंजॉय करती हूँ, तब तक बाद में बताऊंगी तंदूरी। हेलो, कैसा टेस्ट है? बहुत स्पाइसी है और बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे हरी मिर्च वाली चीजें खाने में बहुत मजा आता है। आप तो दूध रोटी खाने वाले थे ना? मुझे पता है कि नहीं मिलेगा। गाइस, हमने फिर से एक और रोटी ऑर्डर की है। इन्होंने कहा था मैं नहीं खाऊंगा, पर इनको इतना अच्छा लगा कि हमने एक और रोटी ऑर्डर की है। खाली पेट सोने से अच्छा है मैं। अच्छा, चिकन कैसा है टेस्ट? अच्छा है, बहुत ही अच्छा। किसके साथ खा रहे हो, चटनी के साथ? हाँ। बहुत तीखी वाली, बहुत टेस्टी है।
आपकी वाली फोटोज अच्छी आ रही है। खाओ लो फिर से रोटी। और ये गया मुंह के अंदर। खाने के बाद ये देखिए हमारे प्लेट का हालत। गाड़ी में खा रहे थे इसलिए खाते वक्त का वीडियो नहीं बना पाए। और गाड़ी में जगह जगह खाना लग चुका है। और मेरी हालत देखिए, खाने की वजह से इतना पसीना निकल गया है। मैं अपनी हालत दिखा दूँ, मेरी हालत देखिए, पसीने से तर बदर हूँ। बंद गाड़ी में खाना, पर खाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इतना टेस्टी खाना है ना, तो उसके लिए तो गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मम्मी कोरोना की वजह से मैं नीचे नहीं गई, वरना मैं नीचे जब कभी फिर कभी आऊँगी तो मैं नीचे जाके सारी आप लोगों को रिव्यू दे दूँगी। लेकिन अभी मैं छोटा बच्चा बोल के मैं नीचे नहीं गई, बस एक पास से जाके एक पिक ले ली मैंने, छोटा सा वीडियो ले लिया। पर ये स्ट्रीट में पूरा एक साथ है। मैं अगर गाड़ी मूव करेगी तो मैं आपको ये पिक लेके आपको वीडियो दिखाऊंगी कि ये इस रूट में बहुत सारे हैं ऑप्शन हैं, पर गौतम बहुत फेमस है, आप सुना होगा आप लोगों ने, तो ये बहुत ही फेमस है। ये मुंबई में भी है। कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा है ना, टेस्टी है ना, एकदम कैरेमल। आदु आदु ए आदु, यहाँ की कोल्ड कॉफी की आइसक्रीम बहुत ही अच्छी है, एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा, आइएगा तो। ठंडी ठंडी कॉफी का टेस्ट और उसके साथ ये आइसक्रीम, टू गुड। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लाइन से कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये अब गाड़ी धीरे धीरे मूव कर रही है। और ये अब देखिए, एक ये है पंजाबी ढाबा, ये है कैंडी, ये है गौतम्स का वेज कॉर्नर है, ये शिवम ढाबा, ये केसी चंद्रा, और ये अभी आगे आ रहा है गौतम्स का टी और कॉफ़ी और स्नैक्स मिलता है यहाँ पर। और बगल में ये सारे स्नैक्स के ही हैं, तो ये इतने सारे ये स्ट्रीट पे हैं। अभी कोरोना है तो भीड़ नहीं है, वरना ऐसा भीड़ होती है कि गाड़ी रखने की जगह नहीं, हमें उस पार गाड़ी रखना पड़ता है और ये लोग डिलीवरी वहाँ तक देते हैं। और खाना बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही यमी है, इसलिए बहुत भीड़ रहती है, बट कोरोना की वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है। देखिए पूरा रास्ता खाली है, नहीं तो वरना गाड़ियाँ लाइन से खड़ी रहती है, सब अपनी गाड़ी में बैठकर खाते हैं और इन्जॉय करते हैं फूड। गाइस अभी हम लोग घर में पहुँच चुके हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है और पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और मिलते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।